हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग ट्रिपल आईटी नया रायपुर में एडमिशन का लास्ट डेट पंद्रह अक्टूबर है और आप ये सब जानते हैं कि जे डबल ई मेन के बेसिस पे ही एडमिशन होगा तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं सीट कितनी है कौन कौन से कोर्सेज हैं काउंसलिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी फीस है और साथ में यहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ भी देखते हैं तो चलिए पहले अदर फैसिलिटीज़ से शुरू करती हूँ मैं तो देखिए यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज जो है तीन बॉयज़ हॉस्टल है एक गर्ल्स हॉस्टल है और हॉस्टल के रूम्स में हाई स्पीड वाईफाई लैन लगा हुआ है कंप्यूटर फैसिलिटीज़ हैं कैंटीन फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी जिम है ई क्लासरूम है दो ई क्लासरूम है वन ट्वेंटी की कैपेसिटी का विथ फुल्ली एयर कंडीशनर एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगे हुए हैं आई मीन प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं एपी थिएटर है आई मीन ओपन थिएटर है जहाँ पे वन थाउजेंड की कैपेसिटी है ऑडिटोरियम है जहाँ 800 सीट्स की कैपेसिटी है अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं यहाँ बी टेक के कोर्सेस चलते हैं एम टेक के पी एच डी के भी बी टेक में जैसे कि अभी एडमिशन चल रहा है तो यहाँ पे ई सी ई में फोर ईयर सी एस सी फोर ईयर एंड बी टेक डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नया कोर्स है ये छत्तीसगढ़ के बहुत ही कम कॉलेजेस में हैं अब देख लेते हैं सीट यहाँ पे ऑल इंडिया सीट जो है थर्टी फाइव परसेंट अमाउंट्स टू सिक्सटी थ्री मतलब ये सिक्सटी थ्री परसेंट थर्टी फाइव परसेंट ऑफ कुछ सीट का सिक्सटी थ्री आया है तो इसमें ट्वेंटी वन सी एस सी में है ट्वेंटी वन ई सी में है ट्वेंटी वन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है एन का कोटा पंद्रह परसेंट है यानी कि सत्ताईस सीट है नौ 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 छत्तीसगढ़ कोटा का सीट है नब्बे सीट यानी कि तीस 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 इसमें क्या क्राइटेरिया देख बोला है हम देख लेते हैं दस टेंथ और ट्वेल्थ छत्तीसगढ़ स्टू स्टेट से पढ़ना ज़रूरी है और इनका केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स फिफ्टी परसेंट एग्रीगेट होना चाहिए जनरल के लिए और फोर्टी फाइव होना चाहिए एस टी एस सी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड अब यहाँ पे कोटा देख लेते हैं अपन वुमेन का थर्टी परसेंट चिल्ड्रेन ऑफ एक्स सर्विसमैन फाइव परसेंट चिल्ड्रेन ऑफ ग्रांड चिल्ड्रेन ऑफ फ्रीडम फाइटर थ्री परसेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी फाइव परसेंट एज क्राइटेरिया ये हम सब जानते हैं एंड ओनली दोस्त कैंडिडेट ये वाली पॉइंट है ओनली दोस्त कैंडिडेट है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन और एनी अदर क्वालिफिकेशन इन टू थाउजेंड एटीन ट्वेंटी शैल बी एलिजिबल एंड कैंडिडेट हैव अपियर इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एग्जामेशन इक्वेट क्वालिफा एग्जामिशन टू थाउजेंड सेवेंटीन डिड नॉट पास इन टू थाउजेंड सेवेंटीन बट पास इन दो हजार अठारह आर नॉट एलिजिबल ठीक है अब एलिजिबल नहीं है ये बाकी एडमिशन प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट बना हुआ है ये इसको आप देख के समझ सकते हैं अब यहाँ पे ऑल इंडिया ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो जोसा से होगी ठीक है ये लिखा हुआ है यहाँ पर अब काउंसलिंग का जो प्रोसेस है यहाँ पे फीस पहली बात तो लगेगी फाइव हंड्रेड रुपीज़ दूसरी चीज़ आप काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे टेन 12, जे रैंक कार्ड कास्ट सर्टिफिकेट एंड इफ यू आर एफ एफ एक्ससी एस उनका सर्टिफिकेट एंड एनटीपीसी टी एम्प्लॉय सर्टिफिकेट इफ़ यू आर एंड एडमिशन के टाइम में क्या क्या प्रोसेस आई I मीन mean, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे टेंथ मार्कशीट ट्वेल्थ मार्कशीट ट्रांसफर सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट जे रैंक सर्टिफिकेट पी डब्ल्यू डी सर्फिकेट एस सी एस ओबीसी सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार यहाँ का टोटल अमाउंट ऑफ फीस जो है एक वन सेमेस्टर का ये फीस है दूसरे सेमेस्टर का ये फीस है इसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है जहां पर आप मेन ट्यूशन फीस है पर सेमेस्टर सेवेंटी फाइव थाउजेंड वन टाइम फीस लिया जाएगा सात हजार चार सौ पचास रुपये बारह हज़ार जो है कौशन मनी है जिसमें कि इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी हॉस्टल और मैश का इंक्लूड है अदर सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फीस फाइव थ्री फाइव ज़ीरो हॉस्टल फीस जो है टोटल टू सिक्स थ्री फोर फाइव है जिसमें से मैश का चार्जेस आपका वन नाइन एट फोर फाइव है अब अबव फीस रिवीजन हो सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम ये दिया हुआ है बाकी यहाँ पे डेट्स दी हुई है लाइक ये सिक्सटीन सितंबर से स्टार्ट है लास्ट डेट फिफ्टीन अक्टूबर है फर्स्ट मैरिड लिस्ट उन्नीस अक्टूबर को आएगी फर्स्ट पेमेंट आपको करना है लास्ट डेट लास्ट डेट फर्स्ट मैरिड लिस्ट की अट्ठाईस को है फिर सेकेंड मैरिड लिस्ट आएगी आपकी अट्ठाईस को उसका लास्ट डेट फीस पेमेंट का दो रहेगा दो नवम्बर फिर थर्ड मैरिड लिस्ट आएगी फोर्थ तारीख को फिर उसका फीस पेमेंट दस तारीख को एडमिशन शेड एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा टेंटेटिव है ये 16 नवंबर को तो आई होप आईआईटी ट्रिपल आईटी ट्रिपल आईटी नया रायपुर जिसको हम और क्या कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर छत्तीसगढ़ ये एडमिशन ब्रोचर है जिसे मैंने वेबसाइट से ट्रिपल आईटी टी रायपुर के वेबसाइट से डाउनलोड किया है इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया होगा आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के अपडेट्स के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो